और जो दो शब्द जोड़ा गया सोशलिस्ट और सेकुलर, उसको संविधान सभा पहले रिजेक्ट कर चुकी थी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार संविधान में उसको संविधान सभा ने उसको रिजेक्ट किया था कि नहीं, सोशलिस्ट सेकुलर विदेशी कॉन्सेप्ट है, ये भारत का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमारे संविधान के प्रीएम्बल में नहीं आएगा। पूरे दिन चर्चा हुई, संविधान सभा ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि आर्टिकल 1 जहां इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है वहां पे सोशलिस्ट सेकुलर फेडरल नहीं आएगा। कि धर्म अलग होता है, रिलीजन अलग होता है, धर्म का सेकुलर से कोई लेना देना नहीं, इसलिए ये सेकुलर शब्द नहीं आना चाहिए। 1976 में संविधान के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान का मूल ढांचा 1976 में बदल दिया गया, प्रीएम्बल में दो शब्द जोड़ दिए गए, उसी को मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। हमारा ये कहना है कि जो संविधान का जो प्रीएम्बल था, जो ओरिजिनल प्रीएम्बल था, उसको रिस्टोर किया जाए। 1976 में इमरजेंसी के दौरान, जबकि पूरे देश में आपातकाल लगा हुआ था, सारे लीडर ऑफ अपोजिशन जेल में थे, दूरदर्शन पे पूरा कंट्रोल था सरकार का, और अखबारों का बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया गया था, उस समय संविधान में 42वां संशोधन किया गया और संविधान के मूल ढांचे को बदल दिया गया, और जो दो शब्द जोड़ा गया सोशलिस्ट और सेकुलर, उसको संविधान सभा पहले रिजेक्ट कर चुकी थी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार संविधान में उसको संविधान सभा ने उसको रिजेक्ट किया था कि नहीं, सोशलिस्ट सेकुलर विदेशी कॉन्सेप्ट है, यह भारत का कॉन्सेप्ट नहीं है, यह हमारे संविधान के प्रीएम्बल में नहीं आएगा। पहली बार जो प्रीएम्बल के ऊपर चर्चा हुई थी वो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। पूरी चर्चा हुई लेकिन कंक्लूजन नहीं निकला। 22 जनवरी 1947 को प्रीएम्बल पे दोबारा चर्चा हुई और पूरी चर्चा हुई, उसके बाद एक मत से प्रीएम्बल को एक्सेप्ट किया गया, वो प्रीएम्बल जो 1976 तक भारत के संविधान का हिस्सा था। 15 नवंबर 1948 को प्रोफेसर केटी शाह साहब ने एक प्रस्ताव पेश किया कि नहीं, प्रीएम्बल बदलना चाहिए और उन्होंने संविधान बदलना चाहिए और संविधान में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द आना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर प्रीएम्बल में सोशलिस्ट सेकुलर नहीं आ सकता है तो आर्टिकल 1 में सोशलिस्ट सेकुलर फेडरल आना चाहिए। पूरे दिन चर्चा हुई, संविधान सभा ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि आर्टिकल 1 जहां इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है वहां पे सोशलिस्ट सेकुलर फेडरल नहीं आएगा। 3 दिसंबर 1948 को प्रोफेसर केटी शाह साहब ने दोबारा एक प्रस्ताव पेश किया और उन्होंने कहा कि प्रीएम्बल में नहीं आ सकता सोशलिस्ट सेकुलर, आर्टिकल 1 में नहीं आ सकता सोशलिस्ट सेकुलर, कोई बात नहीं, आर्टिकल 18 में सोशलिस्ट शब्द आना चाहिए। फिर चर्चा हुई संविधान सभा में और एक मत से उसको फिर रिजेक्ट किया गया। 6 दिसंबर 1948 को संविधान सभा में फिर चर्चा हुई, पंडित लोकनाथ मिश्रा ने कहा कि जो सेकुलर शब्द है ये स्लिपरी फ्रेज है, ये विदेशी कॉन्सेप्ट है, अगर इसको हम संविधान में डालेंगे भारत की संस्कृति को ये बर्बाद कर देगा। H.V. कामत साहब ने कहा कि धर्म अलग होता है, रिलीजन अलग होता है, धर्म का सेकुलर से कोई लेना देना नहीं, इसलिए ये सेकुलर शब्द नहीं आना चाहिए। 17 अक्टूबर 1949 को फिर चर्चा हुई इस प्रीएम्बल के ऊपर और फाइनली एक मत से संविधान सभा ने प्रीएम्बल को एक्सेप्ट किया और वो प्रीएम्बल एक्सेप्ट किया जो 1950 से लेके 1976 तक, 1976 तक, यानी इमरजेंसी के दौरान बढ़िया काम करता रहा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, उससे देश आगे बढ़ता रहा। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूरा हो गया, संविधान सभा, इससे हम 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। 24 जनवरी को राष्ट्रगान अडॉप्ट हो गया, 25 जनवरी को संविधान सभा भंग हो गई। ध्यान रखिए, ये जो संविधान बनाया गया ये किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा, और वो कब भंग हो गया? वो 25 जनवरी 1950 को भंग हो गया, यानी 76 में संविधान सभा थी ही नहीं। 26 जनवरी 1950 से हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। 1967 में सुप्रीम कोर्ट का गोलकनाथ केस का फैसला आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को कोई भी सरकार नहीं बदल सकती, और बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब डेमोक्रेसी, बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब इक्वेलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब सॉवरेंटी। संविधान, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था गोलकनाथ केस में कि कोई भी सरकार ना तो फंडामेंटल राइट में छेड़छाड़ कर सकती है और जो बेसिक स्ट्रक्चर है इक्वेलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेसी, इसको बदल नहीं सकती है। 1971 में जैसे ही इंदिरा गांधी को 352 सीट मिली, उन्होंने गोलकनाथ केस को पलटने के लिए 24वां संविधान संशोधन पेश कर दिया। 1973 में एक हिस्टोरिक जजमेंट आया जिसको केशवानंद भारती केस कहते हैं,
1973 में उस समय सुप्रीम कोर्ट में टोटल 13 जज होते थे और केशवानंद भारती केस को 13 के 13 जजों ने एक साथ सुना था और उस समय मेजॉरिटी का जो फैसला यही था कि हाँ जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसको छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। और बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब वो शब्द जो प्रियम्बल में है, वो क्या है? डेमोक्रेसी, सोवरेंटी, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी ऑफ थॉट, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वेलिटी, डिग्निटी, ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे प्रियम्बल में जो लिखा हुआ है। इसका मतलब संविधान में संशोधन तो हो सकता है लेकिन संविधान का जो गोल है, जो प्रियम्बल में लिखा हुआ है, संविधान का जो मूल ढांचा है जो प्रियम्बल में लिखा हुआ है, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर जो प्रियम्बल में लिखा है, उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसका मतलब प्रियम्बल को नहीं बदल सकते। लेकिन जैसे ही इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई 25 जून को, उसके बाद उनका दिमाग इस पे बदलने पे लगा रहा। लोकसभा का जो टेन्योर था वो मार्च 76 में पूरा हो चुका था, याद रखिएगा, लोकसभा का टेन्योर मार्च 76 में पूरा हो गया और दिसंबर में संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदला गया। सवाल यह है आखिर अधिकार मिला कैसे? संविधान सभा जिसने इस संविधान को बनाया 1950 में खत्म हो गई, लोकसभा का कार्यकाल मार्च 76 में खत्म हो गया, एक साल का जो टेन्योर बढ़ाया गया उसको भी, जो टेम्परेरी टेन्योर बढ़ाया गया लोकसभा का, वो केवल काम चलाने के लिए था, कोई संविधान में संशोधन करने के लिए नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून को जो फैसला दिया था इंदिरा गांधी को, एक तरीके से उनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री का उनको अवसर दिया था। 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का जो चुनाव था उसको रद्द कर दिया, इंदिरा गांधी के ऊपर चुनाव लड़ने पे 6 साल का बैन लगा दिया। इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट आई, 24 जून को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पे कंप्लीट रोक नहीं लगाई, पूरी तरीके से उसको उस पे स्टे नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप प्रधानमंत्री बने रह सकती हैं लेकिन आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पाएंगे। लेकिन 24 जून को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और 25 जून को राष्ट्रपति से कह के पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी जाती है।